अपना आत्माओं उस दिन में आपने आसिया करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्मा करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए विद्वान कहते हुए, ये अंधे नहीं तो क्या थे आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। अरे इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया, अरे इन्होंने ऐसे लोक वेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, असत भक्ति बताई को ना जिसने कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को अशिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है, इनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं, कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं, आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर, तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर, और हमने वो कल्याण करवाना परमात्मा पाना उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को, और वही निकालेंगे तो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ, वहां देखा करते थे हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते, जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में रात्रि के समय, खेतों में नहर का जल सिंचाई के लिए, जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता, इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है कि आज चूक गया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा, तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है, इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा, ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ दरजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है, इसलिए ये दास चाहता है आप जी को इतना त्याग कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो, इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है, ये ज्ञान आपको टिकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाके 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे, ये जो आज 25-30 साल के 40 वर्ष के 20 साल में 60 साल के 65 साल के गिला की गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बड़ा कुछ नहीं, और सपीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं, तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है, बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान गति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रहेगा, जो जरूरी था उसका एरियर निकालना, बुढ़ाने को और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना, पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए एकाग्र के प्रसंग आएगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको, जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है शाम को भी खाता है उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया तो उनको भूख लगी रहती है, किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती,
मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किसमस भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कड़वी कैप्सूला खाने पड़ेंगे, मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा, फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेंगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है, तो इसको और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए, कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।